मेहनत की इन लोगों ने, ठीक है ना, और सेमिनार को कामयाब बनाने के लिए, और बड़ी मेहनत से आज सब लोग यहाँ पर आए, मेहनत की, इनकी अचीवमेंट आई, आपकी अचीवमेंट आई। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि चाहत सच्ची हो, ध्यान से सुनना, चाहत सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता, ये आसमां तेरे कदमों में क्यों नहीं हो सकता। है भरोसा अगर तुझे खुद पर, है भरोसा अगर तुझे खुद पर, तो ये मुकद्दर तेरा गुलाम क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है दोस्तों, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और जिन लोगों का अचीवमेंट स्लो है या नहीं आया है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का अचीवमेंट स्लो आया है, देर से आया, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मायूस ना हो आप। आपकी अचीवमेंट भी आएगी। वो कहावत नहीं है कि वो कहते ना कि क्या कहते हैं, अभी तो रात है, अभी दिन है, रात के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात आता, रात के बाद फिर दिन आती है, दिन के बाद फिर रात आता है, होता नहीं होता है। हाँ, तो अभी जो है, जिन लोगों का बिजनेस स्लो चल रहा है, कोई इशू नहीं है, उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा, मेहनत करें, बिल्कुल चिंता ना करें। और एक बार आगे आया एक कपल की मैं बात बताता हूँ। ये जो कपल है, ये थाईलैंड गया था। मैडम से पूछता हूँ, थाईलैंड कैसा लगा? मैडम कैसा लगा? जबरदस्त, बहुत अच्छा, लाजवाब, सपने से परे था इनके वो थाईलैंड टूर। उसमें अच्छा क्या लगा आपको बताएं? छप्पन करोड़ से कूदना। अच्छा, 56 करोड़ से कूद गया। बच गए किस्मत, ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्या किया? मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा सर। जब लोग समुद्र के भीतर बोट से गए थे पैराग्लाइडिंग करने के लिए, और बीच पे गए थे, वहाँ जब पास किया वो बहुत अच्छा लगा। जो होटल में ठहरे थे, होटल बहुत बढ़िया था, स्विमिंग पूल के साथ था, तो लोग वहाँ भी वैसे होटल में ठहरने का मौका भी नहीं मिलता है। सपने ऐसा लग रहा था, जो वहाँ की फूड होती है वो बहुत बढ़िया लजीज होती है। मतलब ब्रेकफास्ट में तो 250-300 आइटम्स होते हैं, मतलब एक एक आइटम को आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह की लग्जरी मिलती है हम लोगों को, तो बिल्कुल सपने ऐसा लगता है वो वहाँ पे जाना और घूमना। कि मैं जो है कमजोर हूँ, हेलो ध्यान से सुनना, मेरे हालात कैसे वाले ये ना सोच लें कि मैं कमजोर हूँ। अभी तो सूरज का निकलना बाकी है, अभी तो मुर्गे का पार देना बाकी है, अभी तो चिड़ियों की चहचहाट बाकी है। इस अंधेरी रात में, इस काली रात में, एक उजाले की किरण मुझे दिखाई दे रही है, मुझसे कह रही है कि बेटा हार मत मानना, मैं आ रही हूं, बस थोड़ा सा तुझे आजमा रही हूं। लाइफ के अंदर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हर चीज की कीमत होती है। कामयाबी चाहते हैं, डायमंडशिप चाहते हैं, तो उसकी पात्रता है, वो पात्रता आपको पूरी करनी पड़ेगी जब डायमंडशिप आएगी। इंसान ने कोई चीज बनाई है वो इंसान के लिए बनाई है, लेकिन उसकी पात्रता है। हवाई जहाज बना है इंसानों के लिए, बना है इंसान ने बनाया है, लेकिन हवाई जहाज में बैठने के लिए पात्रता है, आपको टिकट परचेज करनी पड़ेगी। इसी तरीके से बस में बैठने की पात्रता, आपको बस का टिकट परचेज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको 1 करोड़ का मकान खरीदना है, तो उसकी पात्रता है, 1 करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरीके से डायमंडशिप की पात्रता है, 6 लाखों के अंदर आपको 50-50 हजार का बिजनेस करना पड़ेगा 2 महीने लगातार, तब आप डायमंड बनेंगे, तब आपका 1.5-2 लाखों का महीना स्टार्ट होगा। तो जिनका बिजनेस स्लो है वो चिंता ना करें, बिजनेस कभी भी बढ़ जाएगा बिजनेस, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक काम करना है, ठाकुर जी ने बोला था कंटिन्यूटी का साइंस इस बिजनेस में काम करता है, लगातार लगन से लगे रहेंगे। दोबारा सुनना, लगातार लगन से लगे रहेंगे तो भोलेनाथ की कसम आपकी डायमंडशिप कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वही बात है कि आपको लगातार लगन से लगे रहना पड़ेगा, तब डायमंडशिप आएगी। कैसे लगे रहना पड़ेगा? लगातार लगन से लगा रहना पड़ेगा, तब डायमंडशिप आएगी, वरना डायमंडशिप नहीं आएगी। तो लगातार काम करना है दोस्तों, लगातार। और वही बात है कि आपको भगवान अजमा रहा है। आप गड़ा लेने जाते हैं 25-30-50-100 रुपए का, उसको घुमाते हैं, पानी डालते हैं, देखते हैं कहीं से फूटा तो नहीं है, तब उसको 100 रुपए देकर घड़ा लेके आते हैं मिट्टी का,
आपको लाखों रुपए मिलेंगे महीने में, आप डायमंड बनेंगे, भगवान आपको अजमाएगा नहीं क्या? पकड़ पकड़ के पीटेगा, पकड़ पकड़ के उठा उठा के घेरेगा, ठंड लगेगी, बुखार चढ़ जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे, बाइक एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, घर में कोई बीमार हो जाएगा, छत गिर जाएगी, भैंस मर जाएगी, गाय मर जाएगी, पता नहीं क्या क्या होगा आपके साथ, तब जाके आपको क्या मिलेगी? डायमंड से मिलेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ना है, लगातार लगन से प्रयास करना है, तब जाके कामयाबी मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जितने लोग देख रहे हैं आप, ये अजूबे नहीं है कोई, ये आप कैसे हैं? देखो मैं दिखाता हूं अभी आपको, आपके कितने हाथ हैं? दो। पैर कितने हैं? दो। वेरी गुड। आपके साथ भी ऐसा ही है? और ये तीन पैर का नहीं बैठा? या जिसके चार हाथ हो? यस। आप खाना खाते? दो। फ्रेश होते? दो। ब्रश करते हैं? दो। फोन पे बात करते हैं? करते हैं। कपड़ा यूज करते हैं? करते हैं। आप लोग भी सारा काम करते हैं? यस। एक चीज, एक चीज, एक चीज का फर्क है सर, आप दुआई करते हैं किसी की? नहीं। तारीफ करते हैं? यस। हाँ, तारीफ करते हैं, बुराई करते हैं? तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन समाज क्या करता है सारे दिन? बुराई 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 बुराई, नेगेटिविटी 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 बनी हुई। दोस्तों नकारात्मक सोच से कुछ नहीं होगा, सकारात्मक सोच अगर अपनाएंगे तो डायमंड बन जाएंगे। अच्छा एक चीज और कह सकते हैं, आप क्या करते हैं? टीचर। टीचर है, कहाँ से? नरपतगंज से। टीचर है नरपतगंज से, देखिए ठीक है ना, नरपतगंज से अमेरिका से आदमी ना आ गया, ठीक है ना, नरपतगंज से है, कहाँ से? और शिक्षक है? और पूछते हैं, आप आइए थोड़ा आगे। हाँ आपका नाम? भूषण। कहाँ से? क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं, दवाई मूली देते हैं हम लोगों को। अच्छा ठीक है, तो यहाँ आप अमरान बन गए? खाना खाते? यस सर। घूमते? यस सर। फोन पे बातें करते? जी करते हैं। बुराई करते? नो सर। बुराई नहीं करते। एक चीज और नहीं करते, देखना मैं पूछता हूँ, टीवी देखते? नहीं देखते सर। नहीं देखते। दिन में आप लोगों का 3 से 4 घंटा कहाँ जाता है? टीवी देखने। कपिल शर्मा को हमने कपिल शर्मा स्टार बना दिया, इतना स्टार बना दिया कि हवाई जहाज में अपने दोस्त को मार रहा है ऑस्ट्रेलिया में जाके एयरपोर्ट में। यस कपिल शर्मा हमें बनना है। क्या बनना है? हमें बनना है। हमें कपिल शर्मा बनना है। पीछे हो शामिल। क्या नाम है? क्या नाम है? कहां से? किसान है। वेरी गुड। अभी कोई टूर अचीव किया है? हाँ, थाईलैंड। थाईलैंड जाएंगे? यस सर। क्या करेंगे? मौज मस्ती घूमेंगे फिरेंगे, मुझे करेंगे। अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाइक को ले जाएंगे? यस सर। फिट लीजिए। अच्छा एक चीज बताएं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। पहले कभी थाईलैंड गए? नहीं सर। पहले कभी विदेश गए? नहीं सर। अच्छा सबसे पहले फ्लाइट में कब बैठे थे आप? 9 दिसंबर को। क्या था उस दिन? 9 दिसंबर को दिल्ली आए थे। अच्छा ट्रेनिंग थी कंपनी की। अच्छा प्रोडक्ट ट्रेनिंग। अच्छा मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अच्छा दिल्ली आए थे। अच्छा अब एक चीज और बता दो, पिछले महीने की इनकम कितनी आपकी टोटल? सर 35,000। और रिपर्चेज उसको मिला के 60,000। पर मंथ, वैल्यूएबल अमाउंट, वेरी वैल्यूएबल। This is not a small amount, very big amount. और अगर आप जहाँ ये रहते हैं बिहार की संगंज की बात करें तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 60,000 रुपये में। यस एक और इंसान को बुलाना चाहता हूँ, जरूरत तालियों। विनय मंडल, वेरी इज़ द विनय मंडल? यस प्लीज कम ऑन द स्टेज, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी भक्के भक्के जल्दी। यस भक्के। यस यस यस। हाँ नाम बताएं अपना। विनय मंडल। कहाँ से हैं? इस्लामपुर। इस्लामपुर। अच्छा ये बताएं कौन सा टूर अचीव किया आपने अभी? थाईलैंड। थाईलैंड पहले कभी थाईलैंड गए? नहीं सर। नहीं गए? अब जाओगे? यस 100%। छोड़ दो किसी को, थाईलैंड को भेज दो। जी सर। हैं? जी। काफी बैठे हैं सामने, लोग मानिक सर मानिक तो तैयार भी हो गए। नहीं सर मेरा पासपोर्ट हो गया, चला है सर। अच्छा अभी ऑफिसर में काफी काफी ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैडम कहाँ हैं आप? मैडम मुझे सुन दो। हां
अच्छा एक चीज बताएं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लाइट में कब बैठे थे पहली बार? 9 दिसंबर सर। 9 दिसंबर, क्या कुछ खास दिन था? बहुत खास दिन था, जिंदगी का पहला खास दिन सर। अच्छा फ्लाइट में बैठे थे जी सर, कैसा लगा? ओह मजे सर, मजे बिंदास। कॉलेज का लाइव चला रहा है, कॉलेज का लाइव चला रहा है, गर्लफ्रेंड जैसा जैसा ट्रेन से आ रहा है ना, तो मेरा फ्लाइट का नाम से बार बार याद आ रहा है। अब जैसे आ रहा है तो स्कूल कॉलेज लाइफ का जिंदगी जैसा आ रहा है, सो रहा है। गर्लफ्रेंड बनाएंगे अब आने में ट्रेन से 36 घंटा लगता है, दिल्ली दिल्ली क्या करना है? सर एडिसन ब्लू में ट्रेनिंग ले रहे हैं। कैसा लगा ट्रेनिंग? ओ सर जबरदस्त। कैसा जबरदस्त? जन्नत जन्नत सर, सीधा जन्नत सर। क्या चला गया जन्नत में? सर खाना पीना तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा से शुरू करके हाथ से खाना यही मतलब ट्रेनिंग लेके जाना पड़ेगा सर, जाना पड़ेगा जी सर। दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, खाने को खत्म करेंगे सर, चुप चुप करके तो चुप करके ये करेंगे सर, मतलब पूरा वसूल करेंगे। वसूल तो नहीं कर पाएंगे सर, इतना खाना कैसे खाएंगे? कितना आइटम है वहाँ पे खाने का सर? 150-200 प्रकार का आइटम, कहाँ से आपने देखा ही नहीं सर, देखा ही नहीं है आपने, खड़ा खड़े पर देख रहे बाबा, ये तो जितना खाए उसे तीन डबल तो पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। ₹42 की खरीदारी करके, ₹5,000 की खरीदारी करके, ₹6,000 की खरीदारी करके, ये शख्स महीने का 65,000 कम ले रहा है दोस्तों, 65,000 का।